नमस्कार, रात के 9 बज चुके हैं। एबीपी न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। मास्टर स्ट्रोक की शुरुआत उन 9 खास तस्वीरों के साथ जो कल अखबार की सुर्खियां बनने वाली हैं। पुणे पुलिस के ताबड़तोड़ छापे हुए हैं, 5 की गिरफ्तारी हुई है। नक्सलियों से संबंधों के आधार पर यह गिरफ्तारी की गई है। उधर पीएम हत्या की साजिश में वरवरा राव गिरफ्तार किए गए हैं। आंध्र प्रदेश के जाने माने कवि, सामाजिक कार्यकर्ता और विचारक हैं वरवरा राव। एनआरसी से बाहर 10% लोगों का दोबारा सत्यापन हो, ये बातें देश की शीर्ष अदालत सुप्रीम कोर्ट की ओर से कही गई हैं। असम में एनआरसी में तकरीबन 40 लाख लोग बाहर हैं और कई ऐसे भारत के नागरिक हैं जिनके कुछ सदस्यों का नाम एनआरसी में शामिल है। स्टालिन ने डीएमके की कमान मिलते ही मोदी सरकार पर हमला बोला है। करुणानिधि के बेटे स्टालिन को आज पार्टी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार भारत का भगवाकरण करने की कोशिश कर रही है। पीयूष गोयल, केंद्रीय रेल मंत्री, ने कहा है कि 6 महीने में 6000 रेलवे स्टेशनों पर वाईफाई की सुविधा दी जाएगी। ये बड़ा ऐलान उनकी ओर से आज किया गया। रेलवे के आधुनिकीकरण की दिशा में ये पहला बड़ा कदम, जो रेल मंत्री की ओर से ये ताजा बयान आज सामने आया है। ताजमहल मामले में विजन डॉक्यूमेंट पर योगी सरकार को फटकार लगी है। सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को फटकार लगाई। दरअसल इस मामले में सरकार से विजन डॉक्यूमेंट पेश करने के लिए कहा गया था। अब सवाल यह है, इन दोनों तस्वीरों को देखने के बाद, दो लोग आपको दिख रहे हैं, रिश्तों पर जमी बर्फ पिघलेगी क्या? सिंधु जल नदी समझौते पर बात करने के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल आज पाकिस्तान के लिए रवाना हो चुका है। कल बातचीत होनी है। इस बैठक के मायने क्या है, यह हम आपको आज आगे बताएंगे। आज भी बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। पेट्रोल डीजल के दामों में आग लगी हुई है और जाहिर है महंगाई बढ़ने के आसार भी इसी के साथ दिखने लगे हैं। और अब हमारी अगली और नवी तस्वीर, पीवी सिंधु एशियाई खेलों के बैडमिंटन महिला सिंगल्स में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई। ताई जुइंग ने उन्हें हरा दिया है, हालांकि गोल्ड से वो पीछे रह गई। पिछले 13 में से 10 मैचों में जुइंग ने उन्हें हरा दिया है। तो ये 9 तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं और अब बात करेंगे ब्लैक एंड व्हाइट की। जी हाँ, ब्लैक एंड व्हाइट। आज हम इसलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि हमारी पहली खबर देश भर में हुई उस छापेमारी और गिरफ्तारियों से जुड़ी हुई है जिसे सीधे तौर पर ब्लैक एंड व्हाइट नहीं कहा जा सकता या उस नजर से देखा नहीं जा सकता है। मतलब क्या सही है और क्या गलत, फिलहाल इसका कोई जवाब नहीं। पुलिस ने भीमा कोरेगांव हिंसा केस और प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश के मामले में 5 राज्यों में छापेमारी कर 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए सभी लोग वामपंथी विचारधारा के समर्थक माने जाते हैं और इसीलिए लेफ्ट पार्टियां ये आरोप लगा रही हैं कि केंद्र सरकार जानबूझकर उन्हें निशाना बना रही है, जबकि पुलिस का दावा है कि गिरफ्तार किए गए लोग माओवादी और नक्सलियों से जुड़े हुए हैं। हैदराबाद वरवरा राव, दिल्ली गौतम नवलखा, फरीदाबाद सुधा भारद्वाज, रांची स्टीन स्वामी, ठाणे अरुण फरेरा, मुंबई वर्नॉन गोंसाल्विस, गोवा आनंद तेल तुम्बड़े। आज दिन भर देश के तमाम शहरों में पुणे पुलिस की टीम ने ताबड़तोड़ छापेमारी की। इस छापेमारी के निशाने पर वो लोग थे जिन्हें पुलिस कथित तौर पर 8 महीने पहले महाराष्ट्र के भीमा कोरेगांव में हुई हिंसा से जुड़ा हुआ बता रही है। पुलिस के मुताबिक ये लोग माओवादियों से सहानुभूति रखने वाले हैं। इसी सिलसिले में महाराष्ट्र पुलिस की एक टीम सुबह करीब 5 बजे हैदराबाद में कवि और एक्टिविस्ट वरवरा राव के घर पहुंच गई। पुलिस की इस कार्रवाई के विरोध में राव के समर्थकों की भीड़ जमा हो गई और पुलिस से तुरंत छापेमारी रोकने के लिए कहा गया। अभी तो केवल सेक्शन ही बताया, जो एग्जैक्ट एलिगेशन क्या है बोल के वो अभी तक नहीं बताया, वो कोर्ट को भी नहीं बताया। ये क्राइम में ये यूएपीए के खिलाफ ये सेक्शन है, उसके बारे में हम ये अरेस्ट ले रहा इन्वेस्टिगेशन के लिए, हमको वो ना बोल के अरेस्ट करके लेके गए। कवि वरवरा राव के घर छापेमारी इसलिए की गई क्योंकि इसी साल जून में एक आरोपी रोना विल्सन के घर से मिली एक चिट्ठी में उनका नाम था। उस चिट्ठी में राजीव गांधी की हत्या जैसी प्लानिंग का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाने की बात लिखी थी। इसके बाद पुलिस ने जांच में तेजी लाते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया। उनसे पूछताछ के आधार पर करीब 250 ईमेल्स की छानबीन हुई और उससे मिले सुराग के आधार पर
आज की छापेमारी हुई। ठाणे में सामाजिक कार्यकर्ता अरुण फरेरा को भी हिरासत में लिया गया। जिस वक्त पुणे पुलिस की टीम वरावर राव के यहाँ जाकर छापेमारी कर रही थी, उनसे पूछताछ कर रही थी, उसी वक्त पुणे पुलिस की दूसरी टीमें मुंबई, ठाणे, दिल्ली, गोवा और रांची में जाकर प्रोफेसर, सामाजिक कार्यकर्ता, मानवाधिकार कार्यकर्ता और वकील जैसे लोगों से पूछताछ कर उनकी धरपकड़ कर रही थी। इस मामले में पुलिस ने कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया है और दूसरे कई लोगों से पूछताछ जारी है। छत्तीसगढ़ में ट्रेड यूनियन कार्यकर्ता और सिविल राइट एक्टिविस्ट सुधा भारद्वाज के फरीदाबाद स्थित घर पर भी महाराष्ट्र पुलिस की टीम ने अचानक धावा बोला। सुधा भारद्वाज को हिरासत में लेकर पुलिस ने उन पर गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम कानून की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। सुधा भारद्वाज के समर्थकों ने उनकी गिरफ्तारी का विरोध किया। पहुंचते पुणे में अचानक से पूरे घर की भयंकर तलाशी करते हैं और सारा उनका लैपटॉप, इंस्टाग्राम वगैरह सब, उनकी इवन छोटी बच्ची का भी सब अकाउंट क्लोज कर दिए जाते हैं, बंद कर दिए जाते हैं और उनकी कॉपी भी उनको नहीं दी जाती। ये तो बहुत बड़ी साजिश लगती है हमको। खुद सुधा ने इस बात से इनकार किया कि उनका भीमा कोरेगांव की घटना से कोई रिश्ता है। माय मोबाइल, माय लैपटॉप, माय पेन ड्राइव हैव बीन सीज्ड बाय द पुलिस एंड आई एम प्रीटी श्योर एंड आई एम रियली अप्रिहेंड दैट देयर गोइंग टू प्ले अराउंड विद माय डेटा। माय जीमेल पासवर्ड हैज बीन टेकन, माय ट्विटर पासवर्ड हैज बीन टेकन। आई रियली डोंट नो व्हाट दे आर गोइंग टू डू विद ऑल दैट। दिल्ली में मानवाधिकार कार्यकर्ता और पत्रकार गौतम नवलखा के घर पर भी इसी मामले में छापेमारी हुई। पुलिस का दावा है कि भीमा कोरेगांव हिंसा के एक दिन पहले 31 दिसंबर 2017 को पुणे में एल्गार परिषद का कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम में जो भाषण दिए गए उनके कारण ही हिंसा भड़की थी और इसीलिए उन तमाम लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर उस कार्यक्रम में शामिल लोगों से जुड़े हैं। लेकिन लेफ्ट समेत तमाम एक्टिविस्ट का आरोप है कि भीमा कोरेगांव के नाम पर सरकार अपने खिलाफ बोलने वालों को डराने के लिए ये कार्रवाई कर रही है। दलित मुद्दे पर वहाँ प्रदर्शन हुआ था और देश के तमाम दलित एक्टिविस्ट, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट उसमें भाग लिए थे, उसको समर्थन किया था, उन पर हमला हुआ था। जो हमले किए थे उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं है और जो वकील इन केसेस में दलित एक्टिविस्ट के केसेस को टेकअप कर रहे हैं उनको गिरफ्तार कर रहे हैं और उनको माओवादी कह रहे हैं। तो ये उस भीमा कोरेगांव में इन्वॉल्व थे, वो सांबाजी ब्रिगेड, सांबाजी भिड़े वगैरह, उन लोगों को आपने कुछ नहीं किया? जिन लोगों ने दलितों के ऊपर हमला किया भीमा कोरेगांव में, उनको आपने छोड़ रखा है और इस तरह के एक्टिविस्ट को आप अरेस्ट करते जा रहे हैं या उनके ऊपर रेड करते जा रहे हैं? ये तो बिल्कुल इमरजेंसी से भी बदतर हालत हो गई। उनका न्यायपूर्ण मांगे हैं और उसको हमें पूरा करना है, परंतु उसकी छत्रछाया में छिपकर इस देश की विघटन करने के लिए काम कर रहे हैं जो माओइस्ट कर रहे हैं विदेशी ताकतों के साथ और कांग्रेस पार्टी के साथ, उसका हम डट के विरोध करते हैं। समूह की बात की, कांग्रेस उसके बैकग्राउंड में डायरेक्टर है भीमा कोरेगांव का, एक्सट्रीमिस्ट उसके डायरेक्टर हैं, उसके पार्टिसिपेंट हैं। ये जातीय हिंसा विद्वेष फैला करके दुनिया ने देखा, जिग्नेश कौन था? ये सारे लोग मिलकर के समाज को तोड़ना। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार किए गए लोगों के पास से महत्वपूर्ण दस्तावेज, किताबें और कुछ साहित्य बरामद किया गया है। लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या इन लोगों को दोषी साबित करने के लिए ये सबूत काफी होंगे? फरीदाबाद से दीपक गौतम के साथ ठाणे से अक्षय भाटकर और गणेश ठाकुर की रिपोर्ट। ये पूरा का पूरा मामला बेहद संवेदनशील और बेहद गंभीर है, लेकिन इस पर भी खालिस राजनीति शुरू हो चुकी है और इसी मुद्दे पर बातचीत के लिए दो बेहद खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बीजेपी से बड़े नेता शहनवाज हुसैन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और कविता कृष्णन, जो कि सीपीआईएमएल की पोलित ब्यूरो सदस्य हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले कविता, आपसे ही मेरा ये सवाल है, बेहद गंभीर और संवेदनशील ये मामला, सीधे पीएम की हत्या की साजिश से जुड़ा हुआ ये मामला, कैसे देख रही हैं? 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, इस पर पहली प्रतिक्रिया आपकी।
पीएम से साजिश की रत्ती भर भी सबूत नहीं है, अभी तक किसी कोर्ट में पुलिस ने पेश नहीं किया है उस तथाकथित चिट्ठी को, सबसे पहले रिपब्लिक टीवी के स्टूडियो में चल रहा है और उसके बाद में ये वो हास्यास्पद चिट्ठी है, उस चिट्ठी की जो भी कॉपी टेलीविजन पे दिखाया गया हास्यास्पद है। इस तरह की कोई चिट्ठी जो है वो कोई अगर साजिश सचमुच में कर रहा होता तो ऐसी मूर्खतापूर्ण चिट्ठी कोई लिखता नहीं। और जो मैं ये कहना चाहती हूँ कि दरअसल हमारे आंखों के सामने असली में जो आतंकवाद चल रहा है, जो गौरक्षक के नाम पे हो रहा है, जो सनातन संस्था कर रही है, जिसके लोगों के पास में बम पकड़े गए, जिनको लोगों की हत्याएं करने के लिए, कोई साजिश नहीं, कोई चिट्ठी नहीं, सचमुच में हत्या करके उन्होंने पुलिस से कहा है कि हाँ हमने किया और हमें ट्रेनिंग मिली कैंपों में गौरी लंकेश की हत्या करने के लिए, नरेंद्र दाभोलकर की हत्या करने के लिए, उसके आधार पर महाराष्ट्र एटीएस ने सनातन संस्था के पास गए। लेकिन आज हमारे देश में कि नरेंद्र मोदी ने 2013 में क्यों चिट्ठी, मुझे अपनी बात बोल लेने दीजिए, एक सेंटेंस खत्म करना है मुझे। नरेंद्र मोदी ने क्यों चिट्ठी भेजा सनातन संस्था को 2013 में, ये कहते हुए कि आप एक राष्ट्रवादी संगठन है, एक आतंकवादी संगठन को देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रवादी क्यों कह रहे हैं? इस सवाल को पूछिए, इस सवाल से उसी पर नजर भटकाने के लिए प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। शहनवाज हुसैन साहब, गैर जरूरी मामला जितना गंभीर बनाकर दिखाया जा रहा है और जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है उन्हें फंसाया जा रहा है, ये सीधे आरोप लगा है कि जो लोग नरेंद्र मोदी जी से लोकतांत्रिक तरीके से नहीं लड़ सकते, जिनको लगता है कि नरेंद्र मोदी जी को हराया नहीं जा सकता, जिनको लगता है कि लोकतंत्र में जनता के वोट के जरिए हर चुनाव में वो जीत जाते हैं, उनकी लोकप्रियता, कई न्यूज चैनल पर आपने सर्वे देखा होगा जिनकी लोकप्रियता बरकरार है, जो हिंदुस्तान के गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, आज उन पर तरह तरह के इल्जाम लगा दिए जाते हैं। कविता का ये कहना है कि मैं कहना चाहता हूँ की वो सिर्फ मोदी जी क्या सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री हैं, मेरे हैं, सनातन कविता कृष्णन के नहीं है, क्या इस देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई साजिश हो रही है? बताइए उसको डिफेंड क्यों कर रहे हैं? मुझे बताइए, आप विषय को बदलने की कोशिश मत कीजिए। जिस विषय पर पीएम मोदी को कौन मानना चाहता दर्शक आप लोगों की बात को ज्यादा तवज्जो तरीके से सुन भी पाएंगे। शहनवाज जी, कविता जिस चिट्ठी पर सवाल उठा रही है, ठीक है मैं लौट रही हूँ शहनवाज हुसैन जी आपके पास। दरअसल कविता जिस चिट्ठी का बार बार जिक्र कर रही है उसके बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। इस पूरे मामले के तार जून में मिले एक चिट्ठी से, पत्र से जुड़े हुए हैं जिससे पीएम मोदी की हत्या की साजिश का खुलासा हुआ था। पत्र में किन बातों का जिक्र है जल्दी से आपको बता देते हैं। मोदी 15 राज्यों में भाजपा को स्थापित करने में सफल हुए हैं, यदि ऐसा ही रहा तो सभी मोर्चों पर पार्टी के लिए दिक्कत खड़ी हो जाएगी। कॉमरेड किशन और कुछ अन्य सीनियर कॉमरेड्स ने मोदी राज को खत्म करने के लिए कुछ मजबूत कदम सुझाए हैं। इन तमाम बातों का जिक्र है इसमें, मोदी राज को खत्म करने के लिए कुछ मजबूत कदम सुझाए गए हैं। हम सभी राजीव गांधी जैसे हत्याकांड पर विचार कर रहे हैं, ये आत्मघाती जैसा मालूम होता है और इसकी भी अधिक संभावनाएं हैं कि हम असफल हो जाएं। लेकिन हमें लगता है कि पार्टी हमारे प्रस्ताव पर विचार करे, उन्हें रोड शो में टारगेट करना एक असरदार रणनीति हो सकती है। इस चिट्ठी में इन तमाम बातों का जिक्र है, सीधे सीधे प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश का जिक्र है। इसके आगे किन बातों का जिक्र है? हमें लगता है कि पार्टी का अस्तित्व किसी भी त्याग से ऊपर है। कविता जी, अब ये चिट्ठी हमने दर्शकों को दिखा दी है, आप ये कह रही है कि इस चिट्ठी का कोई मतलब ही नहीं है, ऐसा क्यों? आपके पास क्या आधार है? मैं कह रही हूं कि ये चिट्ठी फर्जी चिट्ठी है, हास्यास्पद है, लेकिन असली जो चिट्ठी है जिस पर बातचीत हमें करना चाहिए वो है जून 2013 में गोवा में, जब मोदी उस समय
प्रधानमंत्री के प्रत्याशी घोषित हुए थे बीजेपी के नेशनल काउंसिल से, उन्होंने एक चिट्ठी भेजी थी सनातन संस्था के नाम। देखिए मैं सवाल कर रहा हूं गुजरात वाले सीएम वाले लेटर पैड कहां लेकर जा रहे हैं, ये मैं आपसे सीधा सवाल देश प्रेमी को इतना गंभीर जाना नहीं 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 वो आप सवाल में हमने जाए देश प्रेमी प्रधानमंत्री क्यों कहा जा रहा है, ये इतना संवेदनशील मामला है और नाम के आधार पर इस तरीके से साजिश हो रही है, पाए गए हैं प्रधानमंत्री क्यों मामला राष्ट्रवादी संगठन कह रहे हैं मैं फर्जी आरोप पर बातचीत नहीं करूंगी, मैं कहूंगी जिस संगठन के पास जा रहे हैं उस संगठन को देश के प्रधानमंत्री क्यों राष्ट्रवादी संगठन कह रहे हैं। आप ये कैसे तय कर सकती हैं कि ये फर्जी आरोप है, क्या न्याय व्यवस्था पर आपको देश के भरोसा है कविता या फिर नहीं है? मैं इसलिए तय करी क्योंकि आज तक वो किसी कानून के किसी कोर्ट में नहीं पेश हुआ है, पुलिस ने इसका जिक्र कहीं ऑन रिकॉर्ड नहीं किया है। ठीक है, पूरे मामले की जांच तो होने दीजिए ना, गिरफ्तारी हो गई है, दूध का दूध और पानी का पानी आज तक होने पेश हुआ है, लेकिन इसको भी संदेह की नजर से देखना और पीएम की सुरक्षा को लेकर सवाल पहले भी राजनीति कर लीजिए, जान लीजिए थोड़ा, ठीक है शाहनवाज जान लीजिए, कानून जान लीजिए, नरेंद्र मोदी से जीत नहीं सकते, इनके घरों में जब कुछ नहीं पाया गया है, इनके घरों पे रेड में कोई बम नहीं पाया गया, कोई बंदूक नहीं पाई गई, तो जिनके यहाँ बंदूक पाया जा रहा है उस आतंकवादी संगठन को राष्ट्रवादी क्यों कहा जा रहा है, मैं पूछना चाहता हूँ। एक बार सुन लेते हैं शाहनवाज जी को भी, उनकी बात पूरी करने देते हैं। साजिश करने वालों को अगर पकड़ा गया तो उसको डिफेंड नहीं करना चाहिए, उसको डिफेंड नहीं करना चाहिए, लेकिन इनका यह कहना है कि दरअसल बीजेपी सरकार इन लोगों को फंसाने का काम कर रही है क्योंकि ये लोग आपकी विचारधारा से ताल्लुक नहीं रखते। कोरेगांव के नाम पर गिरफ्तारी की वो चला नहीं क्योंकि दलितों के इस इवेंट को कैसे आप आतंकवादी बता देंगे, उसके बाद में कोई फर्जी चिट्ठी जो है वो सिर्फ टेलीविजन स्टूडियो में पेश हो रहा है जो कोर्ट ऑफ लॉ में आज तक पेश नहीं हुआ, पुलिस ने कहीं ऑन रिकॉर्ड उसका जिक्र नहीं किया। भीमा कोरेगांव का जो इवेंट था वो आतंकवादी है, दलितों को अपना इतिहास याद करना ये आतंकवाद हो गया है इस देश में। सुधा भरद्वाज जैसे लोग जिन्होंने सबसे देश के गरीब लोगों के लिए अपना जीवन भर वो एडवोकेट रही है कानून फ्री में, शहनवाज जी का कम से कम जवाब, क्या ये आतंकवाद है? आप इसको जात और धर्म से न जोड़ें, इसको दलित और गैर दलित से न जोड़ें, क्या देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ साजिश हो उसको भी आप इस तरह की राजनीति में घसीटने की कोशिश करेंगे? हम सब जानते हैं, ठीक है, ये नरेंद्र मोदी में करेज है नक्सल के खिलाफ लड़ने का, नरेंद्र मोदी यहाँ पर दर्शकों को जल्दी से मैं बता देती हूँ कि पुलिस के इस ताबड़तोड़ छापे में आज जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता सुधा भारद्वाज को भी उनके फरीदाबाद स्थित घर से गिरफ्तार किया गया है, लेकिन उन्हें जिस अंदाज में गिरफ्तार किया गया उसने कई सवालों को जन्म दे दिया है। उनकी बेटी मायशा भारद्वाज ने गिरफ्तारी की पूरी कहानी बताई है, जल्दी से सुनते हैं। 7 बज रहा था सुबह के और मैं और मम्मा थे घर पे, उन्होंने बेल बजाई, फिर मम्मा ने 10 मिनट बाद मुझे उठाया, उन्होंने कहा कि सर्च के लिए पुलिस आई हुई है। लगभग 10 लोग थे, उनमें से एक लेडी कांस्टेबल थी जो कि हरियाणा लोकल की थी और बाकी जो आए हुए थे वो पुणे महाराष्ट्र के थे। उन्होंने हमारा फोन वगैरह लिया, फोन पहले तो उन्होंने बंद कर दिया, तो फिर मम्मा ने सर्च वारंट के लिए पूछा, उन्होंने कहा सर्च वारंट हमारे पास है नहीं। उन्होंने 1 घंटे लगाए, पूरे डॉक्यूमेंट वगैरह सर्च किया उन्होंने, कबर्ड्स वगैरह छानबीन की सारी चीजें, फिर उन्होंने जितना हमारा ईमेल आईडी था, आई क्लाउड था, जो भी मेरा फोन था, 2 फोन मेरे पास थे, आईपैड था और मम्मा के 2 फोन्स थे और 2 लैपटॉप्स थे, वो भी उन्होंने ओपन किए, फिर सब पासवर्ड वगैरह मांगा उन्होंने, फिर पासवर्ड रिटर्न में भी लिया और सब चीज उन्होंने फिर ब्लॉक कर दिया। ये वो 7 बजे आए थे और 12 बजे यहाँ से करीब गए। टॉर्चर एज सच तो नहीं हुआ, हम सिर्फ 2 ही लोग हैं, महिलाएं हैं घर पे, और इस तरीके से उनका आना और वो 10 लोगों का आना इस टाइप का, तो हमें वो चीज तो बिल्कुल भी एक हैरेसमेंट ही है। परिवार वालों ने सीधे गिरफ्तारी पर सवाल उठा दिए हैं। शाहनवाज हुसैन जी, जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई है वो जायज है क्या? लेडी कांस्टेबल साथ में गई थी, ये खुद मायशा ने आपको बताया, इसलिए इस पर कोई विवाद का सवाल ही नहीं है। किसी को भी गिरफ्तार करने जाते हैं तो एक लेडी कांस्टेबल की जरूरत होती है और वो पूरी तरह से तैयारी से गए थे, उनके पास जो प्रमाण है उसको लेकर गए थे, जांच हो रही है। दूसरी बात यह है कि इस पर इसको रंग देने की जो कोशिश है वो गलत है। इस देश ने बहुत से प्रधानमंत्री खोए हैं आतंकवाद में, इस देश में बहुत बड़ी साजिश हुई है, बहुत से नेता खोए हैं हमने नक्सलवाद में, और जो लोग नक्सल को खुलेआम मदद करते हैं, कुछ तो नक्सली हैं जो जंगल में लड़ रहे हैं,
और वो लोगों को बहकाकर नक्सल साहित्य पढ़ाकर वो एक गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं नौजवानों को भटका रहे हैं। लेकिन कुछ लोग शहर में बैठकर नक्सलियों की किताब बांट रहे हैं, कविता कृष्ण जी मैं एक बात बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। कविता कृष्ण जी मेरे सीधे सवाल का जवाब आप दीजिएगा, देश की कानून व्यवस्था पर आप लोगों को भरोसा है या नहीं? हाँ बताइए, देश के कानून व्यवस्था को तोड़ करके ये गिरफ्तारियां हो रही हैं। मैं समझाती हूं क्यों। पहला तो ये कि सुधावा भरद्वाज के घर पर ये कह रहे हैं सबूत लेकर के वो गए, कोई सबूत लेकर के वो नहीं गए, उल्टा उनके जो चीजें उन्होंने ले ली हैं कंप्यूटर वगैरह बिना किसी बाहरी किसी विटनेस के किसी गवाह के, इसका मतलब अब वो उन कंप्यूटर्स में और डायरीज में कुछ भी भर सकते हैं और कह सकते तो हैं। कम से कम आपको ये तो मानना चाहिए कि अदालत में मामला जाएगा और सबूत नहीं रहेंगे तो फिर क्या भयानक है, तो इमरजेंसी अभी से मुझे कहने दीजिए, फिर राजनीति क्यों की जा रही है? नहीं, पहले गिरफ्तारी और उसके बाद छोड़ दिया जाएगा तो हमारे, मुझे बात रखने दीजिए, आप बीच में मत बोलिए जब मैं बोल रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि इमरजेंसी के समय वक्त की कमी है। कविता कृष्णन जी आपका और शहनवाज हुसैन जी आपका बहुत शुक्रिया इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए। देखिए मामला इतना संवेदनशील है लेकिन उस पर भी खालिस राजनीति राजनीतिक दलों की ओर से की जा रही है। लेकिन पूरे मामले में अपडेट क्या है ज्यादा जानकारी के साथ गणेश ठाकुर हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। गणेश, जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है उनके परिवार वाले तो लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन ये बताइए अब इस पूरे मामले में जानकारी क्या सामने आई है? जिनकी गिरफ्तारी हुई है पुलिस ने पूछताछ की है, क्या बड़ी बातें निकलकर सामने आई हैं? जी देखिए, इन सवालों के जवाब में पुलिस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जून के पहले हफ्ते में इनकी गिरफ्तारियां हुई, तब से जो छानबीन चल रही थी उसमें करीब 250 ईमेल्स इन्होंने ट्रेस किए हैं, उन पर उनको वर्कआउट किया है और उन ईमेल्स में जो कन्वर्जेशन जो बातचीत हुई है इन सभी लोगों के बीच में उसके आधार पर आज की ये पूरी कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई का जो आधार है ये ईमेल्स हैं जिसमें कई सारे खुलासे या सबूत मिले हैं जिसको कोराबोरेट करने के लिए, इस पर और छानबीन करने के लिए और जानकारी लेने के लिए इनकी गिरफ्तारियां बहुत जरूरी थी, ऐसा पुलिस का कहना है। इसके अलावा यहाँ गिरफ्तारियां यहां तक नहीं रुकेंगी, इसके आगे भी जाएंगे ऐसा पुलिस का दावा है, क्योंकि कुछ सबूत उनके हाथ लगे हैं जो ये बताता है कि इस यलगार परिषद के जरिए लोगों को इकट्ठा किया गया, लोगों के मन में सरकार के प्रति या जो तनाव निर्माण करने की बात हो रही थी उसको उसके मकसद से ये पूरी यलगार परिषद हो या जो मीटिंग थी वो की गई थी और उसके बाद एक दिन बाद भीमा कोरेगांव हुआ, इसीलिए कहीं ना कहीं ये तार जुड़ते हैं और ईमेल्स में इन तार पूरे मामले में देखी जा रही है और इसी वजह से इन लोगों की गिरफ्तारी हुई है और इसीलिए गिरफ्तारी हुई है। शुक्रिया गणेश इस पूरी जानकारी के लिए, आगे भी जानकारी आपसे हम लेते रहेंगे। देखिए मामला बेहद गंभीर है लेकिन इन सबके बीच राजनीति चरम पर है और इस बीच राहुल गांधी की ओर से पूरे मामले पर ट्वीट किया गया है और ट्वीट करते हुए राहुल गांधी ने एक बार फिर से आरएसएस पर निशाना साधा है। राहुल गांधी की ओर से यह कहा गया है कि इस देश में सिर्फ एक ही एनजीओ सही तरीके से काम कर सकता है और वो है आरएसएस। इस तरह की टिप्पणी राहुल गांधी की ओर से की गई है। पूरा मामला आगे कैसे बढ़ेगा और इस पर और किस तरह की प्रतिक्रिया आती है लगातार एबीपी न्यूज आप तक पहुंचाता रहेगा। फिलहाल आगे बढ़ते हुए अगली खबर का हम रुख करेंगे। अगर आप पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं तो आपको कितनी मशक्कत करनी पड़ती है ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन पीएनबी घोटाले के आरोपी और भगौड़े नीरव मोदी ने देश में ही एक दो नहीं बल्कि आधा दर्जन पासपोर्ट बनवाए थे। पूरी कहानी ओम प्रकाश तिवारी की इस खास रिपोर्ट में। तो आप अपना सिर खुजाइए, नाराजगी जताइए या नीरव मोदी के शातिर दिमाग की तारीफ कीजिए, ये आप पर है। लेकिन ये लिस्ट बता रही है कि कितनी आसानी से नीरव मोदी ने एक दो नहीं बल्कि छह छह पासपोर्ट बनवा रखे थे। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियों ने जब इस महाघोटालेबाज की जांच शुरू की और इंटरपोल तथा अन्य दूतावासों से इसके बारे में जानकारी मांगी तो सामने आई वो काली पट्टी जिसकी आड़ में नीरव मोदी भारतीय जांच एजेंसियों को चकमे पर चकमा दे रहा था। काली पट्टी यानी पासपोर्ट दर पासपोर्ट की संख्या और इन्हीं पासपोर्ट के आधार पर 13,500 करोड़ रुपए का आरोपी भारत से भागकर आराम से विदेश घूम रहा था। देश की जांच एजेंसियां परेशान थीं कि जिस नीरव मोदी का पासपोर्ट वो रद्द करा चुकी थी वो शख्स एक जगह से दूसरी जगह कैसे और किस आधार पर जा रहा है और दुनिया के दूसरे देश आखिर किस आधार पर उसे आने जाने दे रहे हैं। तो अब सबूत समेत देख लीजिए कि नीरव मोदी के हाथ में कौन सी कुंजी थी। लेकिन सवाल ये है, नीरव मोदी ने देश के भीतर कई पासपोर्ट बनवा कैसे लिए और अगर किसी शख्स के लिए पासपोर्ट बनवाना इतना ही आसान है तो फिर पासपोर्ट बनवाने के दौरान की जांच का मतलब क्या है। हद ये है कि नीरव मोदी के सभी छह पासपोर्ट भारतीय थे और जांच एजेंसियों को सिर्फ एक के बारे में पता था जिसे रद्द कराया गया था।
यानी कानून को देश के भीतर हाथ में लिया गया, खुलेआम अपराध हुआ, लेकिन किसी की नज़र उस पर कभी नहीं गई। जांच के दौरान और भी खुलासे हुए तो पता चला कि नीरव मोदी ने अपनी विदेश यात्रा के दौरान दूसरे पासपोर्ट का भी जमकर सहारा लिया। इस दौरान उसने अपने आधिकारिक पासपोर्ट नंबर Z1781888 से यात्रा की, जिससे वो 10 फरवरी 2018 को न्यूयॉर्क से लंदन गया। तो वहीं दूसरे पासपोर्ट नंबर Z4231823 से 15 फरवरी 2018 को हांगकांग से लंदन आया। इसके अलावा भी कई दूसरे देशों की यात्राएं की, लेकिन अब नीरव मोदी आराम से लंदन में बैठा है और जांच एजेंसियां हाथ मल रही हैं। आम आदमी अगर अपना एक पासपोर्ट बनवाने जाता है तो उससे दुनिया भर के दस्तावेज और सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन घोटालेबाज चाहे तो भारत में बिना किसी जांच और दस्तावेज के आधा दर्जन पासपोर्ट भी बनवा सकता है। फिलहाल जांच एजेंसियां अब उस सरकारी काली भेड़ को ढूंढ रही हैं जिसने दलाली का चारा खाकर दूध के रूप में नीरव मोदी को इतने सारे पासपोर्ट दे दिए। जांच एजेंसियां जांच करती रही हैं, लेकिन हाथ क्या आएगा? एक आर्थिक भगौड़ा, एक अपराधी जिसके कई पासपोर्ट, इस रिपोर्ट के जरिए आपने जान लिया। कटघरी में सुशासन, जी हां, सुशासन बाबू से बिहार अब संभल नहीं रहा, यह सवाल है। और ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लाख दावों के बावजूद बिहार में महिलाओं से छेड़छाड़ की घटनाएं रुक नहीं रही और कानून को ठेंगा दिखाते हुए बदमाश एक के बाद एक अश्लील वीडियो वायरल कर रहे हैं और नीतीश की खाकी खानापूर्ति में जुटी हुई है। आरा, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, बांका, गया, जहानाबाद, कैमूर और अब सहरसा में लड़की के साथ छेड़खानी, ये वो तस्वीरें हैं जो बिहार में सुशासन का दावा करने वालों के मुंह पर तमाचे से कम नहीं। और ये सारी तस्वीरें ज्यादा पुरानी नहीं बल्कि पिछले 3 महीनों में बिहार से ही सामने आई हैं। और सहरसा की ये वो शर्मनाक तस्वीर है जिसने फिर से बिहार के सुशासन को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। सहरसा में एक पीड़िता अपने इज्जत की गुहार लगाती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन बदमाश रहम नहीं खाते और भेड़ियों की तरह उस पर टूट पड़ते हैं। जिस शख्स ने पीड़िता को बचाने की कोशिश भी की उसे भी बदमाशों ने अधमरा कर दिया। माफी मांग रहे हैं, माफी मांग भी तो छोड़े रे तरी तंदे माछा लगा तू घीच रही रे। और जब वीडियो वायरल हुआ, मीडिया ने सवाल दागे तो पुलिस को अपने फर्ज की याद आई। 5 प्राथमिकी अभियुक्तों में 2 अभियुक्तों गिरफ्तारी कर ली गई और आने वाले 24 घंटा में बचे 3 अभियुक्तों गिरफ्तारी की गई। और ये मैं बताना चाहूंगा कि अभी जो अनुसंधान से जो स्पष्ट हुआ है, ये वीडियो जो है वो 2 महीने पहले का वीडियो है, ये अभी की वीडियो नहीं है, तो इसमें किसी ने शैतानी की है, इसका भी अनुसंधान किया जाता है। तो सवाल ये कि क्या बिहार में बदमाश इतने बेखौफ हो चले हैं कि खुलेआम लड़कियों की इज्जत पर हाथ डालने और फिर वीडियो वायरल करने से भी नहीं हिचकते? और सवाल ये भी कि अगर 3 महीने के भीतर ही इतने वीडियो सामने आ चुके हैं तो अभी और कितने आने बाकी हैं? और इन सवालों का जवाब बिहार की सत्ता पर काबिज नीतीश कुमार को देना है। नीतीश बाबू को अब बताना पड़ेगा कि आखिर बिहार में बदमाश कानून को जेब में लिए क्यों घूमते हैं, और इसे जंगल राज ना कहें तो फिर और क्या कहें? ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। पुलिस हो, जो भी एजेंसीज हैं, अपना काम करें। लड़कों को इमीडिएट रोड में उल्टा लटका के मारना चाहिए, तभी मैसेज जाएगा, अन्यथा हर जगह पे वीडियो वायरल हो रहा है। एक तो जो वीडियो वायरल कर रहा है उनको भी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन सवाल सिर्फ सहरसा भर का नहीं है बल्कि बिहार में खोखले हो चुके कानून के इकबाल का भी है और आंकड़े इसकी तस्दीक भी करते हैं। बिहार में इस साल के शुरुआती 6 महीनों में रेप के 782 मामले दर्ज हुए हैं, यानी हर दिन लगभग 4 रेप। किडनैपिंग के 5168 मामले दर्ज हुए, यानी प्रतिदिन 28 किडनैपिंग। आईपीसी के तहत इस साल जून तक 128044 मामले दर्ज हुए हैं, यानी हर रोज 711 मामले। डकैती और दंगों के आंकड़े जोड़ दिए जाएं तो तस्वीर और शर्मनाक हो जाएगी। और बिहार में सरकार किसी भी गठबंधन की रही हो, सच तो ये है कि बदमाशों की मौज हो रही है।
नीतीश कुमार ने जब आरजेडी के साथ सरकार बनाई थी तब रेप की 1704 वारदातें हुई थी और बीजेपी गठबंधन की सरकार में अब तक 1278 मामले सामने आए हैं। आरजेडी गठबंधन में औसतन हर महीने किडनैपिंग के 663 और हत्या के 220 मामले हुए तो बीजेपी गठबंधन में किडनैपिंग का औसत 801 पहुंच गया और हर महीने बिहार में 247 हत्याएं होने लगी। आरजेडी संघ सरकार में आईपीसी के तहत 15756 मामले दर्ज हुए तो बीजेपी के साथ शासन में 21051 मामले। जो आंकड़ों में दिख रहा है वही आज सीतामढ़ी कोर्ट परिसर में दिखा। पेशी के लिए आए बदमाश संतोष झा को अपराधियों ने गोलियों से छलनी कर दिया और पुलिस मूक दर्शक बनकर देखती रही। और इससे पहले भी संतोष झा के साथी को अपराधियों ने मोतिहारी कोर्ट में मौत के घाट उतार दिया था लेकिन पुलिस ने कोई सबक नहीं लिया। मतलब वक्त के साथ पिछले 3 सालों में नीतीश कुमार की नाक के नीचे गुंडा राज फला फूला है, आबाद हुआ है, जिसका नतीजा ये है कि आए दिन ऐसी तस्वीरें वायरल हो रही हैं। लेकिन नीतीश बाबू को ना ही तो बिहार की बेटियों की चीख पुकार सुनाई देती है और ना ही सीतामढ़ी की तस्वीरें दिखाई देती हैं। बिहार में अब काहे का सुशासन। लड़की की जो तस्वीरें सामने आई हैं वो रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। तस्वीरें चीख चीख कर ये बयान करने के लिए काफी हैं कि बिहार में किस तरह से कानून व्यवस्था का राज पूरी तरह से खत्म हो चला है। और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए पटना से प्रकाश कुमार हमारे संवाददाता सीधे जुड़ चुके हैं। प्रकाश, तस्वीरें देखकर एक बात तो बिल्कुल साफ है कि नीतीश कुमार से बिहार अब नहीं संभल रहा। चित्रा, इस मामले में अब राजनीति काफी गर्म है। एक तरफ जेडीयू के प्रवक्ताओं ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा और पूछा कि इस सारे मामले में जो वीडियो वायरल हुए हैं उस मामले में कौन सी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। निशाना तेजस्वी यादव और उनके समर्थकों पर था, तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने भी विवादित बयान दिए और कुछ ऐसे अपशब्द के भी इस्तेमाल किए, लेकिन ये अपनी जगह है। सबसे ताज़ा उदाहरण है सत्ता में कोई भी रहे, चाहे वो तेजस्वी यादव रहे हो तब या फिर अब बीजेपी के साथ नीतीश कुमार हो तब, जो आंकड़े हैं वो साफ बताते हैं कि इन पर अंकुश लगाना अभी बहुत मुश्किल हो रहा है। नीतीश सरकार के जो सुशासन का दावा है वो दिन दहाड़े गुंडे अपराधी वो मखौल उड़ा रहे हैं, लेकिन वीडियो वायरल की जो खबर आती रही है उस पर खास तौर से उस पर लगाम लगाने में नीतीश सरकार अब तक विफल रही है। बहुत शुक्रिया प्रकाश इस पूरी जानकारी के लिए। नीतीश सरकार अब कब जगेगी ये अपने आप में बड़ा सवाल है। तो बिहार में आपने देखा सिस्टम सरकार लाचार है और स्थिति कितनी भयावह है। तस्वीरें इसकी बानगी भरे, बहुत सारे ऐसे मामले रहते होंगे जो दर्ज तक नहीं होते होंगे। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी शिमला में एक एड की शूटिंग के लिए पहुंचे तो राज्य सरकार ने उन्हें स्टेट गेस्ट का दर्जा दे दिया। सरकार के इस फैसले पर विवाद हो गया क्योंकि सवाल ये उठ रहा है कि धोनी पर ही इतनी मेहरबानी क्यों सरकार। महेंद्र सिंह धोनी अपने परिवार के साथ अगले 5 दिनों तक शिमला में रहेंगे। इस दौरान शिमला के मशहूर मॉल रोड पर वो एड फिल्म की शूटिंग करेंगे और परिवार के साथ छुट्टियां भी बताएंगे। धोनी जी, शिमला कैसा लगा? धोनी का ये दौरा पूरी तरह से निजी है, लेकिन इस पर विवाद तब शुरू हुआ जब राज्य के मुख्य सचिव की तरफ से भेजी गई ये चिट्ठी सामने आई। धोनी के शिमला आने से पहले ही राज्य सरकार की तरफ से पुलिस और प्रशासन को ये निर्देश दे दिया गया कि जब तक वो शिमला में रहेंगे तब तक उन्हें राजकीय मेहमान माना जाए और उसी के मुताबिक उनकी सुरक्षा के लिए जरूरी इंतजाम किए जाएं। लेकिन विपक्ष में बैठी कांग्रेस ने सरकार के इस फैसले पर सवाल उठा दिया है। निश्चित तौर पर धोनी जी हमारे खिलाड़ी है, राष्ट्रीय स्तर के हमारे राष्ट्रीय टीम के कप्तान है, तो सरकार को चाहिए कि वो जो दूसरे खिलाड़ी हैं उनके लिए भी नियम और कायदे बनाए। विपक्ष का कहना है कि राज्य सरकार ऐसा ही सम्मान दूसरे खिलाड़ियों को क्यों नहीं देती, पर हिमाचल की खेल मंत्री गोविंद ठाकुर का आरोप है कि धोनी के मामले में विपक्ष बेवजह की राजनीति कर रहा है। देश के जाने माने खिलाड़ी हैं, अब यदि महेंद्र सिंह धोनी यहाँ पर आए तो उसका भी कष्ट है, और महेंद्र सिंह धोनी को अगर सुरक्षा की दृष्टि से हिमाचल सरकार ने सुरक्षा प्रदान की है तो उसकी तकलीफ है। हालांकि सरकार के मुताबिक स्टेट गेस्ट का दर्जा देने के बाद भी सरकार केवल धोनी की सुरक्षा का जिम्मा ही उठा रही है, उनके रहने की व्यवस्था और बाकी खर्चों में सरकार की कोई भूमिका नहीं है और इसीलिए इस विवाद को ज्यादा तूल नहीं दिया जाना चाहिए।
तो यहां पर एक खिलाड़ी को लेकर राजनीति का खेल चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हुए, देश में ईवीएम का जिन्न अब रहकर बोतल से बाहर आएगा, क्योंकि एक तरफ बीजेपी है जो हर हाल में ईवीएम से वोटिंग चाहती है, तो दूसरी तरफ कई विरोधी दल हैं जो बैलेट पेपर से वोटिंग चाहते हैं, लेकिन गेंद अब चुनाव आयोग के पाले में है। विपक्ष के सभी लोगों की राय थी कि ईवीएम को छोड़ के और बैलेट पेपर से चुनाव आगे होने चाहिए, सबकी राय यही। अद्भुत सोच और राजनीति है कांग्रेस पार्टी की। जब चुनाव जीतते हैं तो ईवीएम में कोई गड़बड़ नहीं है, चुनाव हारते हैं तो ईवीएम को बदल दो। सम ऑफ द पार्टी सेड गोइंग बैक टू बैलेट इज रियली बैड बिकॉज बूथ कैप्चरिंग वी डोंट वांट टू ब्रिंग बैक। इनकी जो भी चिंताएं ईवीएम वीवीपैट और दूसरी चीजों के बारे में उन्होंने व्यक्त की हैं, उन सब पर कॉम्प्रिहेंसिव व्यू लेकर इलेक्शन कमीशन उनके प्रति संतोषजनक हल प्रदान करेगा। तो निर्वाचन आयोग ने 2019 चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर कल सर्वदलीय बैठक बुलाई, तो उसके केंद्र में फिर ईवीएम बनाम बैलेट पेपर का वो मुद्दा आ गया जिसका हल निकलेगा कैसे कोई नहीं जानता, क्योंकि चुनाव आयोग ने तो कह दिया कि वो सभी पक्षों की बात सुनकर अपना फैसला करेगा, लेकिन जिस तरह विरोधी पार्टियों ने ईवीएम के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है उसमें बड़ा सवाल ये है कि चुनाव बाद अगर ईवीएम को लेकर सवाल उठाए गए तो फिर चुनावों की विश्वसनीयता पर सवाल तो उठेगा ही। वैसे ऐसा पहली बार नहीं है जब चुनाव कराने के तरीके को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, ऐसे मौके कई आए हैं। 1971 में जनसंघ के पूर्व अध्यक्ष बलराज मधोक ने नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से इंदिरा कांग्रेस से शशि भूषण के खिलाफ चुनाव हारने के बाद ये कहकर सनसनी पैदा करने की कोशिश की थी कि चुनाव के मतपत्रों पर अदृश्य स्याही लगी हुई थी। इस अदृश्य स्याही से गाय बछिया के सामने पहले से ही निशान लगा हुआ था जो कुछ समय बाद अपने आप उभर जाता था और मतदाता का निशान अपने आप मिट जाता था। 2009 में जब भारतीय जनता पार्टी को चुनावी हार का सामना करना पड़ा तब पार्टी के नेता लालकृष्ण आडवाणी ने न केवल ईवीएम पर सवाल उठाए बल्कि कई विदेशी विशेषज्ञों, कई गैर सरकारी संगठनों और अपने थिंक टैंक की मदद से ईवीएम से होने वाली छेड़छाड़ और धोखाधड़ी को लेकर पूरे देश में अभियान चलाया गया और अब कांग्रेस समेत तमाम विरोधी दल ईवीएम के खिलाफ हैं, यानी बिसात वो ही है, पार्टियां बदल गई हैं। करीब 17-18 पार्टियां जो विपक्ष में हैं उन सबका कहना एक ही है कि हम लोग फिर से दोबारा बैलेट पे जाएं, और ये कोई भारत में पहली बार नहीं होगा, बहुत सारे देशों में ऐसा हुआ है। लेकिन लोकतंत्र में चुनाव का मतलब सिर्फ ईवीएम भी नहीं है, चुनावी फंडिंग भी है, राजनीति का अपराधीकरण भी है और बाकी वो चुनावी सुधार भी हैं जिनके आसरे निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराए जा सके। और कल जब सर्वदलीय बैठक हुई तो फिर मतभेद खुलकर सामने आ गए, क्योंकि सिर्फ ईवीएम पर ही नहीं बल्कि चुनाव खर्च की सीमा तय करने के मामले में भी बीजेपी ने दो टूक कहा कि वो चुनावी खर्च की सीमा तय करने के पक्ष में नहीं है। बाकी दल इसके पक्ष में थे और उनका तर्क था कि इससे हर दल को बराबरी का मौका मिलेगा, जबकि बीजेपी चाहती है कि चुनावी खर्च की सीमा तय करने की बजाय पारदर्शिता पर ध्यान दिया जाना चाहिए। बीजेपी के मुताबिक राजनीतिक दल खास एजेंडे के तहत अभियान चलाते हैं और उन्हें रोका नहीं जाना चाहिए, लेकिन सवाल है कि जब पार्टियों के पास पैसे होंगे तभी वो प्रचार करेंगी, या आज बीजेपी के पास पैसे हैं तो उसे खर्च की सीमा नहीं चाहिए और कल अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो इसके विरोध में खड़ी होगी, क्योंकि एडीआर की ही रिपोर्ट देखें तो बीते 5 साल में बीजेपी की झोली में जमकर फंडिंग गिरी। पार्टी अकूट धन से चुनाव लड़ना नहीं चाहती, चुनाव खरीदना चाहती है। कौन सी चीज आपने जनता को दे दी है कि आपको इकलौता अधिकार मिल गया है हजारों करोड़ खर्च करने का और बाकी लोग साधारण तरीके से चुनाव लड़े? इस पार्टी को करोड़पतियों ने हाईजैक कर लिया है, इसलिए ये चाहती है कि अकूट संपदा से चुनाव लड़ते रहे। फिर बीजेपी जिस पारदर्शिता के पक्ष में है उसकी धज्जियां पार्टियां कैसे उड़ाती हैं ये बीएसपी के इनकम टैक्स रिटर्न को देखकर पता चलता है, जिसमें वो बताती है कि 20,000 रुपए से ज्यादा का दान किसी ने दिया ही नहीं। दरअसल सच ये है कि राजनीतिक दलों को इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा कि जिस देश में 80 करोड़ लोग खाने के नाम पर भोजन के अधिकार कार्ड पर निर्भर हैं, उसमें चुनाव लगातार महंगे हो रहे हैं। 1952 से 1991 तक के चुनाव में कुल 3,870 करोड़ रुपए खर्च हुए, इतनी ही रकम 1996 से 2009 तक के चुनाव में खर्च हो गई और फिर अकेले 2014 के चुनाव में इतनी रकम खर्च हो गई।
अब 2019 में 2014 से भी दोगुना पैसा खर्च होने के आसार हैं। लेकिन इस मुद्दे की किसी को भी चिंता नहीं। वैसे सच ये है कि चुनाव सुधार के असल मुद्दों की किसी पार्टी को परवाह नहीं, क्योंकि 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जेल में रहते हुए कोई भी शख्स चुनाव नहीं लड़ सकता, तो सरकार ने संशोधन लाकर इसे निष्प्रभावी कर दिया। और ऐसे तमाम सुधार हैं जिन पर कोई चर्चा ही नहीं। मसलन चुनाव में धन बल के जरिए मतदाताओं को प्रभावित करने वाले मामले आपराधिक घोषित हों, उम्मीदवारों के एफिडेविट की स्वतंत्र केंद्रीय एजेंसी से तय वक्त में जांच हो। बाकी लिस्ट सामने है। तो चुनाव सुधार की बात बेमानी है। चलिए आपको पाकिस्तान लिए चलते हैं, जहां पर हुकूमत और निजाम दोनों के बदलने के बाद कल पहला मौका होगा जब भारत और पाकिस्तान के बीच किसी द्विपक्षीय मुद्दे पर बात होगी। मौका है सिंधु जल समझौते के तहत दो दिवसीय आधिकारिक बैठक का, जो लाहौर में होगी। पाकिस्तान में निजाम बदलने के बाद दोनों देशों के बीच बातचीत के रास्ते एक बार फिर से बहाल हुए हैं। वाघा के रास्ते आज पीके सक्सेना की अध्यक्षता में भारतीय डेलीगेशन लाहौर पहुंचा। मौका सिंधु जल संधि की दो दिवसीय आधिकारिक बैठक का है, जहां दोनों देश एक दूसरे से जल बहाव और इस्तेमाल होने वाले पानी का ब्यौरा साझा करेंगे। ये एक ट्रीटी में कंपलसरी होता है हम लोगों को साल में एक बार मिलना, तो ये उस तरह की मीटिंग है और उसमें वहाँ पर जैसा भी एजेंडा होगा, जो भी चर्चे होंगे, वो दोनों कमिश्नर मिलकर डिसाइड करेंगे। लेकिन सवाल ये कि इमरान की नुमाइंदगी में ये बैठक कितनी सफल होगी, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से सिंधु जल समझौते को अंतर्राष्ट्रीय मंचों से हवा देता रहा है। जम्मू कश्मीर के किशनगंगा और रातले पन बिजली परियोजना का मुद्दा पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक तक उठा चुका है। रातले किशनगंगा के साथ देश के कुल 5 पन बिजली परियोजनाओं को भी पाकिस्तान संधि का उल्लंघन बताता रहा है। कल से होने वाली बैठक में भी ये मुद्दा उठना तय माना जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान को ये डर सता रहा है कि जम्मू कश्मीर में पन बिजली परियोजना की आड़ में हिंदुस्तान उसके हक का पानी रोक सकता है। ये हिंदुस्तान ट्रीटी जो है, जिसमें हिंदुस्तान के हक का पानी है, जो पाकिस्तान में बह जाता है, अब वो बूंद बूंद पानी रोक करके मैं पंजाब के, जम्मू कश्मीर के, हिंदुस्तान के किसानों के लिए वो पानी लाने के लिए प्रतिबद्ध हूं। तो पीएम का संकेत भले ही सख्त और दो टूक था, लेकिन सच्चाई यह है कि हिंदुस्तान ने अब तक पाकिस्तान को प्यासा नहीं मारा, लेकिन पाकिस्तान ने आतंक को सींचना बंद नहीं किया। तो ऐसा मुमकिन भी है। सिंधु जल संधि के मुताबिक रावी, ब्यास और सतलुज के पानी पर हिंदुस्तान का हक है, जिन्हें पूर्वी नदियां कहा जाता है, जबकि पश्चिमी नदियों में झेलम, चुनाब और सिंधु का पानी पाकिस्तान को दिया जाता है। लेकिन पाकिस्तान जाने वाली नदियों का 20% पानी भी हिंदुस्तान इस्तेमाल कर सकता है। चले इसी के साथ मास्टर स्ट्रोक में आज के लिए बस इतना ही। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।